गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर, तो समझना ये होता है बड़ा मुश्किल, क्या करे क्या करे। जैसे कि रॉकेट में उड़ना, ये मम्मी से लड़ना, या आईफिल टावर पे चढ़ना, जो है ही नहीं उसका पता लगाना, या फिर बंदर को नहाना, पानी में चलना, फ्रैंकेस्टाइन का भेजा ढूंढ के लाना, यहाँ पर है ऊपर जाना, रोलर चलाना, या बहन को पागल बनाना। तो देखा जाए तो छुट्टियों के मौसम में हो सकता है धमाल, है कमाल के फिनिश एंड फर्ब, क्योंकि ये करते हैं कमाल, है कमाल के फिनिश एंड फर्ब, क्योंकि ये करते हैं कमाल। मॉम, फिनिश और फर्ब टाइटल सीक्वेंस बना रहे हैं। बन सकती हो तुम भी ऐसी फ्लॉलेस गर्ल, सब मिलते हैं इस पर ही, ये है फ्लॉलेस गर्ल। और शुरू करती है सारे ट्रेंड, हाइट इसकी 5'10", करोगी प्रोडक्ट्स ये यूज अगर, बन जाओगी फ्लॉलेस गर्ल। हाँ फ्लॉलेस गर्ल, फ्लॉलेस गर्ल, हमारे कॉस्मेटिक्स के बिना आपकी खूबसूरती अधूरी है। मुझे परफेक्ट दिखने के लिए फ्लॉलेस गर्ल से एडवाइस लेनी ही होगी। ये देखो, लिखा है फ्लॉलेस गर्ल फाउंडर बियांका डिशन नेक्स्ट फ्लॉलेस गर्ल चुनने के लिए इस साल के मिड समर फेस्टिवल में आने वाली है। मुझे भी पार्ट लेना चाहिए। वैसे एक बात बताओ, कब है ये मिड समर फेस्टिवल? प्रोबेबली इन द मिडल ऑफ समर, यानी कि आजकल। वो देखो, मिड समर फेस्टिवल वाले, ये तो बलजीत का सिग्नल है। फिनिश एंड फर्ब, तुमने मेरे लिए मार्स पर जाने की मशीन बनाई थी, अब इस फेस्टिवल में बिगेस्ट वाटरमेलन कॉन्टेस्ट जीतने के लिए मेरी मदद करो। हेल्प मी फिनिश एंड फर्ब, यू आर माय ओनली होप। फर्ब, जाओ और जल्दी से अपना जूनियर केमिस्ट्री सेट लेकर आओ, वी आर गोइंग टू द फेस्टिवल। हे, पेरी कहाँ है? ये क्या हो गया? हमारे पड़ोसियों के पॉन्ड के नीचे सीक्रेट एंट्रेंस किसने बनाया? ओके, सुनो, कोर्ट केस से बचने के लिए मछलियों को हैट्स दे दो, हम उन्हें एजेंट बना लेंगे। और राइट एजेंट भाई, शुरू हो जाओ। रुको, डूफेंशमर्स को जाओ। हे बलजीत, तुम्हारा वाटरमेलन कहाँ है? यहाँ है, देखो इसे, ये तो मेरी पूरी फैमिली की नाक कटा देगी। टाइम फॉर अ लिटिल केमिस्ट्री। Could I borrow Ferb sometime? The flawless girl booth, कहाँ है वो? Hey you, girl, क्या तुम्हें आईने में अपना चेहरा देखकर कभी बुरा नहीं लगता? Well, सिर्फ 200 रुपए दोगी तो तुम्हें खुद को देखकर अच्छा लगेगा। मुझे जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं flawless girl cosmetics यूज करती हूँ। अगड़म बगड़म बूम बूम, तैयार है ग्रोथ बढ़ाने वाला लिक्विड। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम बिगेस्ट वाटरमेलन कॉन्टेस्ट जीतने में बलजीत की मदद कर रहे हैं। ये क्या है, एक टेनली? बस देखती जाओ। क्या बात है, तुम जैसे बेवकूफ लोग इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हो। मैं अपनी फैमिली को कह देता हूँ कि चुल्लू भाई पानी में डूबने के लिए तैयार है। ये। No, wait, अभी इस पर पूरा असर नहीं हुआ है, देखते जाओ। नहीं, मैं चुल्लू भाई पानी ढूंढने जा रहा हूँ। नेक्स्ट, आप ब्लॉन्का डिशॉन है? मैं कैंडिस हूँ, मैं नेक्स्ट फ्लॉलेस गर्ल बनने आई हूँ। उस मॉडल के पास खड़ी हो जाओ। क्या तुम फ्लॉलेस गर्ल बनने के लिए जरा छोटी नहीं हो? हाँ, बिल्कुल हो। पर मैं 5'8" हूँ। देखो, हमने गाने में कहा है, At the forefront of every trend, never less than 5'10". मुझे लगा वो राइम करने के लिए कहा है। Nobody is perfect. लेकिन हमारे फ्लॉलेस गर्ल के सारे प्रोडक्ट खरीद कर तुम ये कमी दूर कर सकती हो। नेक्स्ट। मैं कभी परफेक्ट नहीं बन सकती, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि चाहे कुछ भी कर लूँ, मेरी हाइट कभी नहीं बढ़ सकती। मुझे अगले 15 मिनट में 2 फुट लंबा होना है। ओह हनी, मेरी बात सुनो। आई गॉट इट, थैंक्स मॉम। यू वेलकम। कितना टाइम लग रहा है, चलो इसमें थोड़ा और ग्रोथ लिक्विड डालकर देखे। ये एक ही बार काम करता है, और डालने से ये बड़ा नहीं होगा। थोड़ी देर रुको, ये असर दिखाएगा। यस, इट वर्क्ड, मैं लंबी हो गई। अब मैं जरूर जीत जाऊंगी। इट्स अमेजिंग, अब तुम्हारी हाइट परफेक्ट है, अब तुम फ्लॉलेस गर्ल कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकती हो। तो क्या फायरसाइड बॉयज ग्रुप भी है? भागो! भागो! मुझे क्रेन मंगाना पड़ेगा।
और अपने लिए एक पैंट भी। तुम आ गई, बताओ क्या हुआ? I'm in. ऑडिशंस 2 घंटे में शुरू होने वाली हैं। Hey, तुम कुछ डिफरेंस ही नहीं लग रही? Who knows? हो सकता है मेरा awkward face खत्म हो गया हो। तुम्हारी नोज को देख के लगता नहीं। Oh no, मैं आईने में देखती हूँ। Oh thank goodness, मैं बिल्कुल नॉर्मल लग रही हूँ। Are you okay, Candace? एक मिनट रुको, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? ये मेरा सिर इतना बड़ा कैसे हो गया? अब ये oddballs देखने के लिए मुझे कोई 200 रुपए नहीं देने वाला। मुझे जल्द ही कोई नया अट्रैक्शन ढूंढना होगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा नैना। फिनियस और फर्ब, ये उनकी करतूत है, इसे वही ठीक करेंगे। फिनियस। हाँ कहो बोलने वाले टेन। नहीं मैं हूँ कैंडिस। तो हमारा ग्रोथ लिक्विड तुमने लिया था। प्लीज कह दो कि तुम्हारे पास छोटा करने की भी दवा है। नो, बट डोंट वरी, हम कुछ ना कुछ करते हैं। कोई आ रहा है। हेलो बॉयज, मैं हूँ पीपी ऑटर। मैं ऑड बॉल शो करता हूँ। मुझे टेंट में छिपी अपनी दोस्त से नहीं मिलाओगे? ओ, वो हमारी सिस्टर है। बड़ी सिस्टर। ओके सॉरी कैंडिस, ये है पीपी। हाँ हम मिल चुके हैं। कैंडिस, क्या तुम मुझे अमीर बनाने में मेरी मदद करना चाहोगे? सॉरी पर मैं इस वक्त किसी और काम में बिजी हूँ। well, जब फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। ओके गाइस, मुझे जल्दी से ठीक करो, फ्लॉलेस गर्ल ऑडिशंस शुरू होने वाले हैं। ये क्या, फेस्टिवल के शोर की वजह से मुझे एविल जिंगल सुनाई नहीं दे रहा है। ओके गाइस, दोबारा शुरू करो लाउडली। 1 2 अब क्या? मैं तो बजाने वाला प्लैटिपस। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कितना प्यारा सा ट्रैप है ना? ये आइडिया मुझे अपने कजिन गर्टरूड के बेबी शावर में मिला। ऐसे मत देखो, अब आदमी भी बेबी शावर्स में जाते हैं, बहुत मजा आता है। प्रेजेंट्स, डायपर बांधने की प्रैक्टिस। आई एम सॉरी, मैं असली टॉपिक पर आता हूँ। यहाँ मिड समर फेस्टिवल हो रहा है, मैं लोगों के गाने बजाने से तंग आ गया हूँ। जब देखो मेरा बाथरूम यूज करते हैं। Well, अब मैं हमेशा के लिए ये मुसीबत खत्म कर दूंगा। पता है मैंने ऐसी मशीन बनाई है जिससे पूरे मर्ड समर्स फेस्टिवल में दुनिया की सबसे सड़ी हुई बदबू फैल जाएगी गंदे डायपर्स की। और जानते हो मैं सारी चीजें बेबी शावर से लाया हूँ। अब क्या ख्याल है तुम्हारा प्लैटिपस पेरी? क्या तुम छोटा करने की कोई क्रीम या कोई मशीन नहीं बना सकते हो? देखते हैं क्या कर सकते हैं, पर हम कोई मजिशियंस नहीं। मैं अब नॉर्मल हूँ, मैं फ्लॉलेस गर्ल कभी नहीं बन पाऊंगी। अब मेरे जैसी लड़की के लिए एक ही जगह बची है, ऑडबॉल शो में। It was nice knowing you boys. मॉम और डैड को मेरा प्यार देना, अब से मैं कार्निवल वालों के साथ ही रहूंगी। एक्सीलेंट, अब लोगों का ध्यान खींचने के लिए कुछ करना होगा। मैंने एक आइडिया सोचा है जिसमें थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। तुम्हें स्काईस्क्रेपर पर चढ़ना होगा मुझे इस गोरिल्ला सूट में उठाकर। ओके, ये आपने कब से पहना है? सुबह से। तो प्लैटिपस पेरी, मैंने गंदे डायपर्स की बदबू को और भी बदबूदार बनाकर लिक्विड फॉर्म में बदल दिया है। इसे मैं पूरे फेस्टिवल में फैला दूंगा अपने इस स्मेली नेटर से। एंड द नेक्स्ट फ्लॉलेस गर्ल इज ऐसी फ्लॉलेस गर्ल तो मैंने कभी नहीं देखी। क्या ये सब करना जरूरी है? क्या कह रही हो, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। कैंडिस, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एक मिनट रुकिए। मैंने कहा मैं एक अच्छी खबर लाई हूँ। तुम हमारी अगली फ्लॉलेस गर्ल हो। पता है तुम्हारी हाइट का रिकॉर्ड कोई लड़की कभी नहीं तोड़ पाएगी। तुम्हें जिंदगी भर मेरे प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे। चुप रहो, ये मेरी ऑडबॉल है। नहीं, मेरी फ्लॉलेस गर्ल है। ये एबनॉर्मल है। वो एबनॉर्मली ब्यूटीफुल है। एक मिनट रुको, अब मैं सब समझ गई हूँ। आप लोगों की कमियों का फायदा उठाकर पैसे कमाते हैं। आप लोगों को ऑडबॉल्स दिखाते हैं ताकि वो खुद के बारे में अच्छा फील करें, और आपने ब्यूटी को बहुत मुश्किल बना दिया है ताकि लोग खुद के लिए बुरा फील करें। मुझे देखिए, मैं 50 फीट की हो गई हूँ और फिर भी खूबसूरत नहीं हूँ। बस बहुत हो चुका, खूबसूरती को अपना फोकस बनाने की वजह से मैं अपने असली फोकस से भटक गई हूँ, अपने भाइयों को फंसाने का। जॉइंट कैंडिस जा रही है। बाय बाय। ग्रोथ लिक्विड तो यही पिया था उसने। मुझे देखने दो, ये ग्रोथ लिक्विड मेरा है। नहीं, मेरा है ये। मेरा मेरा।
अब देखना गंदे डायपर्स की बदबू इस बिल्डिंग के चारों तरफ सारी हवा में फैल जाएगी। मैं इसे यहाँ फिक्स करके इसकी रेंज को 200 यार्ड्स पर सेट कर देता हूँ। सुन रहे हो प्लैटिपस महाशय, ये उस बदबू की आवाज है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सारा यूनिवर्स, ये अच्छा नहीं हुआ। नॉर्मल कहना कुछ ज्यादा नहीं होगा। Well, बदबू क्यों नहीं आ रही? पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई यार। ओह, ये रहा मेरा बदबूदार लिक्विड। इसे तो मैंने स्मेलिनेटर में डाल दिया। ये क्या हो गया? तो क्या तुम जैंट वाटरमेलन कॉन्टेस्ट जीत गए? मैं जीतने वाला था, पर देखो क्या हो गया, वाटरमेलन छोटा हो गया। Well, वो हुआ होगा या फिर यूनिवर्स की हर चीज बड़ी हो गई। जाने दो, अब मुझे चुल्लू भाई पानी में डूबने की जरूरत नहीं। ये है हमारी नई पेट गोल्डी। क्या हम इसे उतना प्यार करते हैं जितना वो हमें करती है? हाँ बिल्कुल करती है। इसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, क्यों ना हम भी इसके लिए कुछ करें। एक मरीन लाइफ एक्वेरियम, ग्रेट आइडिया फर्व। आओ गोल्डी के लिए एक बढ़िया सा एक्वेरियम बनाए ताकि वो आराम से रह सके। मैं ठीक कह रहा हूँ ना पेरी? तुम भी मानते हो। हे कैंडिस कहाँ है? कैंडिस कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो तुम? जर्मी के कॉल का इंतजार। कल रात मूवी के बाद उसने कहा आई कॉल यू सून। मैंने कैलकुलेट किया, सून का मतलब हुआ आज सुबह, क्योंकि सून का मतलब 24 आवर्स या उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसमें से 59 मिनट्स का टाइम कम या ज्यादा करते हैं उसके बाद भी। देखिए मैंने सब कुछ वर्कआउट करके इस नोटपैड पर लिखा है, पूरी कैलकुलेशंस के साथ। वेट, जर्मी के फेस से डिवाइड करने के बजाय 1 को कैरी करना चाहिए था। वेल, मैं अपने फेवरेट ऑथर के एक इवेंट में जा रही हूँ, तुम मेरी एब्सेंस में अपने भाइयों पर मत चिल्लाना। मॉम मैं कहाँ चिल्लाती? ओह माय गॉश, सून का स्क्वायर रूट है, नेवर। लो फिल्टर तैयार है, अब इसमें पानी डालो। हरमन क्या तुम नहा रहे हो? नहीं। तो फिर जल्दी नहा लो। ये देखो गोल्डी, तुम्हारा नया घर। इट्स ह्यूज, इट्स अमेजिंग, इट्स लोनली। इसके लिए कुछ फ्रेंड्स लाने चाहिए। फिशिंग बोट चलाने के लिए तुम कुछ छोटे नहीं हो। ओ हाँ, बिल्कुल है। वेल, चलाते रहो। हे, पेरी कहाँ है? एजेंट पी, सॉरी फॉर द मेस, पर आज हमारे यहाँ बहुत से न्यू रिक्रूट्स आने वाले हैं और हाँ, उन्हें अभी ट्रेन नहीं किया है। एनीवे, सुना है डूफेंशबर्ग्स ने कुछ दिन पहले शहर के सारे सॉसेजेस खरीद लिए हैं। इसका रीजन पता करो और जाते वक्त जरा संभल कर जाना। गोल्डी, तुम्हें अपने नए फ्रेंड्स कैसे लगे? नो! ये ट्रिक ट्रेंड एनिमल शो के लिए बढ़िया रहेगा। फर्ब, मैं बताता हूँ आज हमें क्या करना है। तुम हमेशा मेरे इविल प्लान को फेल करने में लगे रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें कब्जे में करने वाली यह मशीन बनाई है। मैं इसे प्यार से कहता हूँ सीक्रेट एजेंट प्लैटिपस पेरी को पकड़ने वाली कैप्चरिनेटर। अच्छा दिमाग चलाया ना, चिट-चैट बहुत हुई। अब मेरी नई इविल स्कीम के बारे में सुनो। जानते हो सालों पहले जब मैं यंग था तब मैं इतना बुरा आदमी नहीं था और तब मैं सॉसेजेस बेचा करता था। डूफेंशबर्ग्स क्वालिटी ब्रॉटवर्स्ट। मगर मेरे सॉसेजेस किसी को भी याद नहीं, जानते हो क्यों? हॉट डॉग वेंडर्स के कारण। ओ कितनी नफरत थी मुझे उनसे। उनके पास थी क्रोम प्लेटेड कार्ड्स, बढ़िया स्पॉन्सर्स, स्पाई प्लेन्स, और मेरे पास क्या था? सिर्फ बनाने का तरीका, बढ़िया मीट और टेस्टी मसाले। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन लोग हमारी सुपीरियर क्वालिटी को जरूर पहचानेंगे।
तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम किसी काम के नहीं हो? जब तुम सॉसेजेस बेचने लगो। मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मैं बदला लेके रहूंगा। ये देखो, हॉट डॉग वेंडर रिवेंजिनेटर, यानी HDVRI। जाने दो, तुम नहीं समझोगे। अब देखो इसका काम। ये रिवेंजिनेटर हॉट डॉग वेंडर की कार्ट पर फ्री ऑन गैस फेंकती है, जिससे उसके हॉट वाटर बॉयलर्स आइस में जम जाएंगे और हॉट डॉग्स कोल्ड और सॉफ्ट पड़ जाएंगे। और जैसे उनके हॉट डॉग्स खराब हुए, वो मेरे सॉसेजेस बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरह मत देखो, मेरा प्लान बहुत सुपर्ब है। मैं तुम पर चिल्लाया प्लैटिपस पेरी, पर कभी कभी तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। ओह, आई कांट वेट एनीमोर, मैं ही उसे फोन करती हूँ। ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे पता ही था, फिनियस और फर्ब। इस बार मैंने इन्हें पकड़ ही लिया। मैं ये मॉम को नहीं भेज सकती। एक्सक्यूज मी, जरा मुझे जाने दीजिए। हे, बीच में मत घुसो। ये मेरा बैकयार्ड है, मैं जरूर जाऊंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू गोल्डीज एक्वेस एक्स्ट्रावेगेंजा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर सिस्टर कैंडिस। फिनियस! That's the spirit, Candace. Everybody! इस fish से कहो मुझे नीचे उतारे। एक mammal है, Candace. क्या बात है, Candace? इस fish show में कैसे आ गई? Mammal. Whatever. Wow, तुम्हारा जवाब नहीं, Candace. Hey, वो देखो, Ferb, वो octopus कहाँ से आया? ये photo लेनी ही होगी, send. I've got to tell you, आपकी पहली बुक मुझे बहुत पसंद आई। क्या आपके घर में कोई हाइपर बच्चा हाँ, है? उसे कह सकते हैं। ओ, ये वही होगी। उसने आपको पिक्चर भेजी है, दिखाइए जरा। Well, okay. उतनी बुरी नहीं होगी अगर आपने मेरे बच्चे देखे होते। हाँ, आपको बाकी बुक्स की भी जरूरत पड़ेगी, और एक बार पहली बुक दोबारा यूज करके देखिए ना। और आप प्लैटिपस पेरी, मैं अपना बदला लूंगा। गुड बाय हॉट डॉग बेचने वालों। पर ये क्या, तुमने वो रस्सी कैसे खोली? नकली प्लैटिपस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट ओके, आई सरेंडर, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे पता है कब और किस वक्त वार करना है। तुम्हारा हॉट डॉग मेरे सॉसेज के सामने कुछ नहीं। नहीं, मैंने मजाक किया, पर तुम्हें बेवकूफ बना दिया ना। ए, ए। एक मिनट, क्या वो जर्मी है? यहाँ क्या कर रहा है? Hey Candace, did you get my messages? Messages? 11 messages? उसने कॉल किया था। Oh, go Candace! अब कैसे बच कर जाओगे तुम? बोलो प्लैटिपस महाशय। Fire. उसने कॉल किया था, बिलीव नहीं होता, उसने कॉल किया था। ओह, कहाँ गई सारी फिश? वाओ, तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक्स,
क्या शो था फब? मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिर में टैंक को फ्रीज करना था पर वो बढ़िया था। लगता है ये अंदर तक फ्रीज नहीं हुआ है। नाइस। तो उसमें क्या बड़ी बात है, वो सही निशाने पर नहीं लग पाया, ऐसा हो जाता है। नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करना, सॉसेजेस गिर जाएंगे। ये क्या कर दिया तुम्हारा सत्यानाश हो प्लेट बस पेरी। मैं सुबह से कॉल करना चाह रहा था। कहीं घूमने चले? ओह माय गॉश, यस। Really? तुमने मेरे मैसेजेस नहीं देखे? हाँ, जानती हूँ। That's okay, Candace. लगता है तुम काफी बिजी थी। मॉम। हाय मिसेस फ्लिन। हाय जेरेमी। आप बैकयार्ड में चलिए। फिनियस और फर्ब ने बहुत बड़ा एक्वेरियम बनाया है जिसमें व्हेल्स तैर रही हैं। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अब देखना। टाटा। हाय मॉम। लुक हनी, आई ब्रॉट यू अ बुक। जेरेमी ने कहा वो थोड़ी देर में कॉल करेगा ना? थोड़ी देर मतलब कितनी देर होती है? Well, लगता है गोल्डी और उसकी फ्रेंड समंदर में जा रही है। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसे प्यार करते हो उसे आजाद कर दो। हाँ, वो हम बेरी के साथ रोज करते हैं। ओह, तो तुम आ गए बेरी, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। नहा रहे हो? हाँ।